वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना राजस्थान पशु परिचर भर्ती स्पेशल राजस्थान जीके का, जी हां साथियों, राजस्थान जीके का 19वां मॉडल पेपर है। दोस्तों ये अगर आपने 18 मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखे, नहीं सोल्व करे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर के सभी मॉडल पेपर को एक एक करके अच्छे तरीके से देखकर आए और फिर इस 19वें मॉडल पेपर की तरफ अग्रसर हुए। क्योंकि दोस्तों हमने सभी मॉडल पेपर में महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लिया है, तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। इसमें भी अपने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस और बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए बिल्कुल सरल प्रश्न है कि कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो साथियों कावड़ बनाने के लिए इन चार ऑप्शनों में से कौन सा सही आ जाएगा वो आपको कमेंट में बताना है। बता दिए कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको बता दूं कावड़ बनाने के लिए अपने मांगीलाल मिस्त्री जी प्रसिद्ध है। जी हां साथियों, मांगीलाल मिस्त्री जी कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न है कि भरतपुर प्रजामंडल कहां स्थापित किया गया था। तो साथियों मैं आपको बता दूं भरतपुर प्रजामंडल अपने भरतपुर में नहीं, बयाना में नहीं, हिसार में नहीं, रेवाड़ी में। जी हां साथियों, रेवाड़ी में स्थापित किया गया था भरतपुर प्रजामंडल, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है साथियों, तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से लोक नृत्य एवं उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। तो एक तरफ लोक नृत्य और एक तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है इसके बारे में अपन को बताना है। तो आप सभी को पता है कि दोस्तों ढोल नृत्य अपने झालोर जिले का प्रसिद्ध है। डांडिया नृत्य दोस्तों वैसे तो अपने गुजरात का है, लेकिन गुजरात के सटे हुए के कारण मारवाड़ है, तो इसलिए मारवाड़ में भी ये प्रसिद्ध है, ठीक है। बम रसिया बीकानेर कह रहे थे साथियों, बीकानेर में बम रसिया नृत्य नहीं किया जाता, बम रसिया नृत्य किया जाता अपने कहां पे, अलवर भरतपुर जिलों में, ठीक है। गीदड़ नृत्य बिल्कुल सही है, शेखावटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य प्रसिद्ध है, लेकिन बम रसिया अपना राइट आंसर आ जाएगा, यही सम्मिलित नहीं है। चलिए साथियों अगला चौथा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल सरल प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है, यानी कि गिलुंड सभ्यता अपने राजस्थान के किस सभ्यता, यानी कि गिलुंड सभ्यता अपने राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा राजसमंद में। जी हां साथियों, राजसमंद जिले में अपने गिलुंड सभ्यता स्थित है। अगला प्रश्न है पांचवा कि सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफटॉप और संयंत्र में किस स्थान पर है, यानी कि सौर ऊर्जा उत्पादन में तो राजस्थान प्रथम स्थान ग्रहण करता है, लेकिन रूफटॉप और संयंत्र, जी हां दोस्तों, रूफटॉप सौर संयंत्र में किस स्थान पर आता है राजस्थान। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं रूफटॉप सौर संयंत्र में, जी हां रूफटॉप सौर संयंत्र में अपने राजस्थान का स्थान है दूसरा स्थान। कौन सा है साथियों? दूसरा स्थान के अंतर्गत आता है रूफटॉप सौर संयंत्र में राजस्थान। राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है रूफटॉप के अंतर्गत, ठीक है साथियों, ठीक है, दूसरे स्थान के अंतर्गत आता है अपने राजस्थान, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नौनेरा, जी हां दोस्तों, जिसको अपने नवनेरा के नाम से भी जाना जाता है, बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। तो दोस्तों नौनेरा या नवनेरा बांध दोस्तों इसका निर्माण दोस्तों आपको बता दूं कालीसिंध नदी पर चल रहा है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किस स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। तो किसे स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? जी हां दोस्तों, ये अपने किया है, अपने किसके, किसने किया है? जी हां दोस्तों, किसके द्वारा, यानी कि किसको किया गया है? तो अशोक यादव को किया गया है स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश है? जी हां दोस्तों, महेश के पुत्र हैं अत्रि, तो अत्रि और महेश दोनों आपस में बाप बेटे हैं, तो इन्होंने एक रचय अपने इन्होंने एक प्रशस्ति की रचना की थी और प्रशस्ति का नाम है दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। जी हां, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो अपने मेवाड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल सरल प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संवर्षा रेखा जो राजस्थान की लगभग दो समान भागों में विभाजित करती है, यानी कि ऐसी कौन सी संवर्षा रेखा है जो राजस्थान को लगभग दो समान भागों में विभाजित करती है, उस संवर्षा रेखा का नाम अपन को बताना है। तो वो संवर्षा रेखा है दोस्तों, संवर्षा रेखा जो राजस्थान की लगभग दो समान भागों में विभाजित करती है राजस्थान को, तो वह 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। जी हां, 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग दो समान भागों में बांटती है।
ठीक है चलिए, ये अपने जलवायु से पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। दसवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान में शिक्षा को के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी अपनी परियोजना है जो शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा, आप सबको पता होगा, जी हाँ साथियों, लोक जुम्बिया अपने शिक्षा से संबंधित है, सरस्वती शिक्षा से संबंधित है, गुरु मित्र शिक्षा से संबंधित है, लेकिन जीवन धारा दोस्तों अपने शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की बात करते हैं। सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष में की थी? तो दोस्तों सिरोही रियासत के द्वारा अंग्रेजों के साथ, जी हाँ साथियों, अंग्रेजों के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1823 ईस्वी को। जी हाँ 1823 ईस्वी को, याद रहेगा 1823 ईस्वी को सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है चलिए, भारतीय विद्यापतन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत में एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है, यानी कि भारतीय विद्यापतन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत दोस्तों अपने किस जगह में, ठीक है, किस जगह में उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है? तो दोस्तों ये अपने खोली जानी है अपने किशनगढ़ अजमेर में। जी हाँ दोस्तों, किशनगढ़ अजमेर में अपने उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है। ठीक है चलिए, 13वां प्रश्न है, निम्न में से बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा है? तो दोस्तों अपने हिंदी माह के अनुसार बीकानेर का स्थापना दिवस की बात करें दोस्तों अक्षय तृतीया आ जाएगा, आखा तीज। जी हाँ साथियों अक्षय तृतीया राइट आंसर है, आ जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न है कि सीतावाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों आप सबको पता है सीतावाड़ी मेला अपने सहरिया जनजाति से संबंधित मेला है, सहरिया जनजाति से संबंधित मेला है सीतावाड़ी मेला। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों स्कूल शिक्षा से संबंधित है कि स्कूल पधारो जैसाणो री लाडली, स्कूल पधारो जैसाणे री लाडली योजना ने कितने आयु वर्ष की बालिकाओं को लक्षित किया है? तो दोस्तों स्कूल पधारो जैसाणे री लाडली, जो बच्चियां अपने स्कूल यानी कि अपनी एज से स्कूल जाने में वंचित रह जाती है उनके लिए यह है। तो दोस्तों यानी कि 18 से यानी कि 10 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए ये योजना बनाई गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा, और इस योजना का नाम है स्कूल पधारो जैसाणेरी लाडली, यानी कि जैसलमेर की लाडली। ठीक है चलिए 16वां प्रश्न है कि कृष्ण मृग अभयारण्य कहां स्थित है? तो दोस्तों आप सबको पता है कृष्ण मृग यानी कि काले हिरण, काले हिरणों का अभयारण्य आपसे पूछ ले कहां पे है, तो आपको बताना है ताल छापर में, और ताल छापर कहां पे है, चूरू में। ठीक है चलिए साथियों अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपके लिए है कि राजस्थान में बायोगैस, जी हां दोस्तों, बायो मार्स ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावना किस कारण से है? तो दोस्तों बायोगैस का विशाल संभावना आप देखें तो सूखी लकड़ी और सरसों की लकड़ी एवं पशुधन से संबंधित ही अपने राजस्थान में बायोगैस का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है ये ऑप्शन नहीं आ सकते। ठीक है चलिए साथियों अगला 18वां प्रश्न है कि पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंस की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पशु गणना 2019 के अनुसार नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की बात करें सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, जी हाँ साथियों, जयपुर जिला। जी हाँ जयपुर जिला, जयपुर का भी कौन सा, ग्रामीण जिला। जी हाँ साथियों, ग्रामीण जिले में सबसे ज्यादा भैंसों की सर्वाधिक संख्या है राजस्थान के अंदर। ठीक है चलिए 19वां प्रश्न है कि राजस्थान की दूसरी मीरा, उनका नाम है संत राणाबाई, का जन्म कहां हुआ था? भाई कुड़की में तो अपने रियल मीराबाई का जन्म हुआ था। ठीक है काड़पोद में नहीं हुआ, हरनावा। जी हां साथियों हरनावा राइट आंसर आ जाएगा, सांबला में नहीं हुआ था। राजस्थान की दूसरी मीरा जिनको संत राणाबाई के नाम से जाना जाता है, संत राणाबाई को ही राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म दोस्तों अपने हरनावा में हुआ था। जी हां साथियों हरनावा में हुआ था। चलिए 20वां प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान के कौन से भाग में थार पारकर गाय पाई जाती है? दोस्तों थार पारकर नस्ल की गाय, जी हां साथियों इंपॉर्टेंट है पशु परिचर वालों के लिए, बैभाग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अभाग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों राजस्थान के कौन से भाग में थार पारकर गाय पाई जाती है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए पश्चिम भाग में थार पारकर गाय पाई जाती है, राजस्थान के पश्चिम भाग में। ठीक है चलिए दोस्तों अगला 21वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ अवस्थित है, यानी कि जसवंत थड़ा कहाँ पे है दोस्तों, जिसको राजस्थान का दूसरा यानी कि राजस्थान का दूसरा ताजमहल के नाम जाना जाता है, या फिर राजस्थान का ताजमहल के नाम से जाना जाता है, जसवंत थड़ा ये अपने कहाँ पे है? दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों अपने जसवंत थड़ा दोस्तों अपने कहाँ पे है, जोधपुर जिले में है। जी हाँ जोधपुर जिले में है जसवंत थड़ा, ठीक है महल। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 22वां प्रश्न कि किस क्षेत्र की राजस्थानी चित्रकला का जन्मस्थान माना जाता है, यानी कि किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्मस्थान माना जाता है, किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्मस्थान माना जाता है, और वो क्षेत्र है मेवाड़। जी हाँ मेवाड़ क्षेत्र को अपने राजस्थान चित्रकला का जन्मस्थान माना जाता है, राजस्थान चित्रकला का जन्मस्थान माना जाता है मेवाड़ को। जी हाँ साथियों मेवाड़ को। चलिए
स्कूल शिक्षा से संबंधित है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब कितनी कक्षा तक निशुल्क पढ़ सकेगी, तो 12वीं तक निशुल्क पढ़ सकेगी। दोस्तों बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी बिल्कुल पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आपको याद रखना है 12वीं तक बालिकाएं अब फ्री में पढ़ सकती है, मुफ्त में, ठीक है। चलिए, वो भी कहां पे, सरकारी स्कूलों में, ठीक है। चलिए, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है, तो आप सबको पता होगा राणा प्रताप सागर यानी कि राणा प्रताप सागर बांध अपने कहां पे होगा, महाराणा प्रताप से संबंधित है। और इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सबको बताना है, चित्तौड़गढ़ में। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ में होगा, चित्तौड़गढ़ में घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इन प्रश्नों का आप धुआं धुआं आसानी से कर सकते हो। तो राणा प्रताप सागर बांध कहां पे है, चित्तौड़गढ़ में है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट और बिल्कुल ही सरल प्रश्न है कि उस्ताकला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया जाता है। तो दोस्तों उस्ताकला क्या होती है, यानी कि ऊंट की खाल पर सुंदर नक्काशी को उस्ताकला के नाम से जानते हैं। तो बताइए उस्ताकला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया गया, तो अपने किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया गया, बीकानेर चित्रकला शैली के संदर्भ में किया गया। साथियों, बीकानेर चित्रकला शैली के संदर्भ में किया गया, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए, जी हां साथियों, राजस्थान में पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए किन दो शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की जाएगी। जी हां, इंपोर्टेंट है, किन दो शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की जाएगी, और वो दो शहरों के नाम है जोधपुर व जयपुर। जी हां साथियों, जोधपुर व जयपुर शहरों में। चलिए, अगला प्रश्न सिर्फ आपके लिए, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, अगला प्रश्न है कि मोतीलाल तेजावत ने कहां से आदिवासियों का कर बंदी आंदोलन आरंभ किया था। तो दोस्तों, मोतीलाल तेजावत के द्वारा कहां से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन आरंभ किया गया था, तो यह किया गया था साथियों, झाड़ोल से। जी हां, झाड़ोल से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन आरंभ किया गया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा। चलिए, 29वां प्रश्न है, बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, तृतीय सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 3 अप्रैल 2022 को दिया गया था, उसमें सोनद करार अनन्य गर्ग को दिए गए पुरस्कार थे। यह पुरस्कार किस खेल के लिए दिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है, इस तिथि को आप भूल सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको याद रखना है कि कांति जोशी पुरस्कार, जी हाँ, कांति जोशी पुरस्कार अपने किस खेल के लिए दिया जाता है, तो यह दोस्तों अपने क्रिकेट के लिए दिया जाता है। जी हाँ, क्रिकेट के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न 30वां कि डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो डेगाना खाने अपने नागौर जिले में स्थित है, नागौर में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती, तो 12 जिले में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती, भाई सबको बताना है, एक एक को बताना है। जी हाँ, कुराल नदी। जी हाँ साथियों, कुराल नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती, और कुनू परवन पार्वती नदी अपने 12 जिले में प्रवाहित होती है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता, तो कौन सा आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता, बता दीजिए। तो दोस्तों, गले में नहीं पहना जाता कौन सा आभूषण हो सकता है, भाई तुलसी गले में पहना जाता है, सरी गले में पहना जाता है, तिमणिया गले में पहना जाता है, ऑप्शन नंबर डी सबको पता है, रखड़ी। भाई साहब, रखड़ी तो अपने सिर के ऊपर पहनी जाती है, यानी माथे पर पहनी जाती है ना, बिल्कुल, ठीक है, तो राइट आंसर डी। चलिए, बालाथल सभ्यता का उत्कलन किसके निर्देशन में हुआ था, तो बालाथल का याद रखना वी एन मिश्र के द्वारा बालाथल सभ्यता का उत्कलन किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है कि रणथंबोर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था, रणथंबोर कौन हो सकता है, गोविंद राज, टिक करिए, गोविंद राज। चलिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है, तो राजस्थान किस क्षेत्र की पंडारी मोदक प्रसिद्ध है, भाई पंडारी मोदक यानी लड्डू पंडारी लड्डू दोस्तों अपने कहां के प्रसिद्ध है, सबको पता होना चाहिए पंडारी लड्डू कहां के, तो जाके आना बीकानेर के पंडारी लड्डू प्रसिद्ध है भाई। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था, तो रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी दोस्तों दीपा था। जी हाँ, दीपा, ठीक है, ओके। चलिए, रावणहत्या किसका प्रमुख वाद्य यंत्र है, भाई भोपो का है, भोपे के द्वारा ही तो रावणहत्या का प्रयोग किया जाता है फड़वाचन के समय, ठीक है। चलिए, 38वां प्रश्न है कि हमेल, जी हाँ, हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है, दोस्तों हमेल शरीर के, जी हाँ साथियों, हमेल शरीर के गले में पहना जाने वाला आभूषण है, गले में पहना जाने वाला आभूषण है। काजरी कहां पे है भाई, काजरी सबको पता है दोस्तों, काजरी कहां पे होगा, जोधपुर में होगा काजरी,
काजरी संस्थान कहां पे है? जोधपुर में। ठीक है, एक जैसे नौ महल किस किले में बने हुए भाई? नारगढ़ किले में बने हुए, नारगढ़ किले में बने हुए एक जैसे नौ महल। चलिए साथियों अगला प्रश्न है 41वां, निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है? भाई रावल चंद्रसेन को कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। इतने सरल प्रश्न, जी हां सर बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसे सरल प्रश्न भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? तो उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद के संस्थापक आपसे पूछ लेना, बिना झिझक आपको शांता त्रिवेदी टिक कर देना। क्या? शांता त्रिवेदी। तारकसी का संबंध किससे है भाई? तारकसी का संबंध कहां से हो सकता है? तारकसी का संबंध तारकसी, अरे कस दीजिए, नाथ द्वारा। ठीक है, नाथ द्वारा। ठीक है, चलिए पिछोला भी याद रखना, नाथ द्वारा। ठीक है, सॉरी पिछवाई कला नाथ द्वारा की है और तारकसी भी अपने नाथ द्वारा की कला है। ठीक है, 44वां प्रश्न है कि राजस्थान निक्षेप पोषण योजना का संबंध किससे? जो भाई राजस्थान निक्षेप पोषण योजना का संबंध उनसे है जो टीबी के मरीज है, उनसे पूछ लेना, जो टीबी के मरीज है ना उनसे संबंधित है निक्षेप पोषण योजना। इसमें क्या होता है, जो टीबी के मरीज होते हैं उनको खाते में पैसे जमा कराए जाते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसी को राजस्थान निक्षेप पोषण योजना के नाम से जाना जाता है। बड़ला सोलर पार्क जोधपुर में है। ठीक है, चलिए अगला है कि मारवाड़ राज्य के किस प्रकार के सामंतों को रेख? जी हाँ दोस्तों, रेख सामंत। ठीक है, यानी कि मारवाड़ राज्य के किस प्रकार के सामंतों को रेख और हुक्मनामा चाकरी से तीन पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता है? ये कर है दोस्तों, और वो थे राजवी। राजवी सामंत थे, उनको रेख, हुक्मनामा और चाकरी इन तीन पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता है। ये क्या है दोस्तों? रेख, हुक्मनामा, चाकरी, ये कर है, टैक्स है, उनसे मुक्त किया जाता है राजवी सामंतों को, केवल और केवल राजवी सामंतों को, मारवाड़ राज्य के राजवी सामंतों को। ठीक है, ये समझने वाला प्रश्न है दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो में उत्पन्न होते हैं। तो कहां पे उत्पन्न होते हैं वो चक्रवात? दोस्तों भूमध्य सागर से। जी हां, पश्चिमी विभक्षों के भूमध्य सागर से उत्पन्न चक्रवात जब राजस्थान में आते हैं और पानी टिप 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 पड़ता है, उसी को ही दोस्तों गोल्डन ड्रॉप कहते हैं, उसी को शीतकालीन वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, और उसी को मावट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, व्रत कथा कोष का लेखक कौन था? तो व्रत कथा कोष अपने एक प्रसिद्ध पुस्तक है, और किन की प्रसिद्ध पुस्तक है? हरिसेन की। जी हाँ, हरिसेन की। राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है? तो भाई पाकिस्तान की सीमा के सहारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो पहले तो चार थे, कौन कौन से? श्रीगंगानगर एक। ठीक है, श्रीगंगानगर के बाद क्या आ जाएगा? बीकानेर बाड़मेर श्रीगंगानगर, और एक कौन सा है दोस्तों? श्रीगंगानगर, बीकानेर, एक तो श्रीगंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर, हाँ, और एक बाड़मेर। ठीक है, तो चार हो गए, लेकिन एक और आ गया अनूपगढ़, तो ऑप्शन नंबर 5 आया, यानी कि डी अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न, बैसरोडगढ़ के बिजोलिया के बीच स्थित प्रदेशी पठार कहलाता है? तो बैसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश दोस्तों अपने किस नाम से जाना जाता है? उपरमाल पठार के नाम से। जी हाँ, उपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो साथियों ये हो गए 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए 1900 मॉडल पेपर के। ठीक है, आपके कितने प्रश्न सही होते हैं? अगर आपके 30 प्रश्न या फिर 25 प्रश्न भी सही हो रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत ही शानदार है। लगातार अपने नोट्स, अपने क्लासों पर पूरा फोकस रखिए और अपने दिनचर्या पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप कहां ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, और अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई पर व्यतीत करने की कृपा करें। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही हम आगे भी मॉडल पेपर आपके लिए लाते रहेंगे। कैसा लगा आपको ये मॉडल पेपर, नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताकर जाना। मैं भाई देसी हूं इसलिए इसी प्रकार से वीडियो बनाता हूं। अगर आपको कोई भी त्रुटि हो तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर आपके ये त्रुटि है, आप इसको सुधारिए, तो मैं अगले वीडियो में सुधारने का बहुत बहुत प्रयास करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।